कुछ टेन से प्रश्न आते हैं, मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज मैंने सेक्शन डी का सेक्शन क्या सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर एक पढ़ाना है, तो उसे मैं चीजें आपको बता रहे हैं। तो देखिए कुछ है, आपको हमने प्रश्न लिखे हैं, इससे जानेंगे कि हमें क्या चीज पढ़ने की जरूरत है। टेन से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न आते हैं, वी हैव गोन टू स्कूल में लिखा है, इसको करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, करेक्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है, करेक्ट का सेंटेंस करना है। और इसको क्या करना है आपको, मेक नेगेटिव, मेक नेगेटिव होता है। और ये जो थर्ड वाला है, यू आर गोइंग टू वाला, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। आई एम इंटेरोगेटिव बोलते हो, लेकिन ये सूत्र होता है इंटेरोगेटिव। एंड फोर्थ वन इज इसको नेगेटिव बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी पहचान लेने की, बताइए क्या करना चाहिए तभी आप चेंज कर पाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो टेंस पहचानना जरूरी है, इसके बाद स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे कि बी हैज गोन टू स्कूल लिखा है, करेक्ट द सेंटेंस, इसमें गलत क्या है, इसका सही करेंगे, इसमें आंसर सी मिलेंगे तो सही करेंगे। कौन बताएगा, बनता है इससे? हाँ क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें बोलो, जिसको बनता है वो खड़े होकर बताए। हाँ बता जाए, कंफ्यूजन है। देखिए ये किस टेंस का है पहचाना, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट में जो ये सब्जेक्ट है इसके साथ में हैज लगता है कि ही लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है, हैज लगता है। तो देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस में मिस्टेक समझ गया कि वी ही हैव गोन टू यूनिवर्सिटी, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बाकी जो करते हो कोई गलती नहीं। तो हमें केवल क्या करना है, इसको सुधार करने के लिए हैव की जगह क्या लगा देना है, हैज। क्या हो जाएगा, ही हैज गोइंग टू नहीं, गोन टू स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल, ठीक है, फर्स्ट नंबर। इसके बाद सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, आशा राइट्स द लेटर, मेक नेगेटिव। तो ये किस टेंस का, सबसे पहले टेंस पहचान है, सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में इसमें एज इज लगा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट की क्या होती है, डू या डज होती है, डू आपने डज होती है, तो डू या डज होती है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो एक शब्द और आएगा प्लस नॉट आएगा, क्या लिखेंगे बताइए, आशा डज नॉट बिगिन नॉट डज 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 क्यों आया, क्योंकि जहां पे क्रिया में एस सी एच लगा हो समझ जाना डज लगेगा, ये पहचान ये भी है। और यदि क्रिया में एस सी एच नहीं लगा तो डेफिनेटली अगर प्रेजेंट कंडीशन है तो डू आएगा, क्या आएगा, डू, जो कि ऊपर लिखा है। तो क्या बन जाएगा, आशा डज नॉट, यहाँ पे एस सी एच आ गया तो राइट का प्योर फॉर्म आ जाएगा, तो राइट की प्योर फॉर्म क्या होगी, राइट। तो आशा डज नॉट राइट लेटर, आशा डज नॉट राइट लेटर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरे को चेंज करेंगे, तीसरे को क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू आगरा टुमारो, इसको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाना तो बड़ा सिंपल होता है, आप कहां पे जाएंगे, यहां, और यू को कहां पे ले जाएंगे, यहां। तो बताइए क्या बन जाएगा, आर यू बोलो गोइंग टू आगरा टू, आगरा टू, आगरा टू मार्क लिखा हुआ है ना, ये बन जाएगा। और एक चीज और इसके लगा दें, क्वेश्चन मार्क में ध्यान रखेंगे, ये दोनों पे डेरोगेशन, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। सी गॉट अ प्राइज, नेगेटिव बनाना है। अब ये किस टेंस का है, एक बार जल्दी आए, लेट आ। गॉट, गॉट को देख करके हमने पहचाना, यदि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ा है, जो सेकंड फॉर्म है किसकी, सेकंड फॉर्म है किसकी, सेकंड फॉर्म गॉट किसकी, सेकंड फॉर्म गेट की। अब था वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगेगी, डिड लगेगी, नहीं लगेगी, तो क्या लगेगी बताइए, नेगेटिव जो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट, और गॉट क्या हो जाएगा, गेट, और फिर क्या लगेंगे, आर प्राइस, और कुछ और लगेगा, कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगेगा। ये चार प्रश्न हमने अभी सॉल्व किए, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें काफी टेंस की पढ़ने की आवश्यकता है ना, तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे। एक आध दो प्रश्न इससे संबंधित आते हैं, एक इंटरोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है आपके जो बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, एक आध दो प्रश्न इससे आ रहे हैं, बाकी थोड़ी बहुत यदि हमें टेंस का नॉलेज हो गया तो जो सो दैट और ये बाकी जो चीजें आती है बनाने के लिए वो हम आसानी से कर सकते हैं, और वाइस भी एक नंबर का आता है। तो क्या करना है, थोड़ा ब्रीफ में टेंस पढ़ा दें, क्योंकि एक दिन में टेंस वैसे मुश्किल होता है, पर ब्रीफ में पढ़ा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपको बता सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें तो करें आगे, इसके बाद एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको कर लिया आपने, नोट करें फटाक से। तो पहला प्रेजेंट, यानी एसईएनटी प्रेजेंट टेंस, ईईएनएसई, तो प्रेजेंट टेंस के जो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, ये मैं आपको याद करा दूं, क्या होती है, डू और डज, इन पे खेल है, इनको याद कर लो, इन पे एक आपने याद कर लिया तो बहुत बन जाएगी, और इस तरीके से मैं टेंस भी आपको रिवाइज करवा दूंगा, हेल्पिंग वर्ब भी याद हो जाएगी। दूसरा होता है बोलो डिड होती है, इन सभी के बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब यदि आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्ब, वर्ब तो जानते हो ना, मतलब उसके मूल स्वरूप कुल मिला के। तीसरा टेंस, मुझे इंडेफिनिट इंडेफिनिट लेके चल रहा हूं, तीसरा टेंस कौन सा होता है बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट जोड़ते हैं, फ्यूचर आई एन वी ई एफ आई एन आई टी, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ, जल्दी बताओ, इसमें मॉडल्स भी आ जाते हैं, वो कौन है, बिल आवले सेल, मैं आपको बता दूं इनको मॉडल भी बोला जाता है ना, ठीक है, इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म ढंग से नहीं बना रहा हूँ, सिक्स लग रहा है ना, फर्स्ट फॉर्म लिखूं क्या, पहली सूरत भी बोलते हैं, और सिंपल कुछ लोग ऐसे बना देते हैं तो ऐसे भी है ना, फिर आपकी मर्जी, ये अपन ये बना देते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी अपन क्या बना दें, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो जानते हैं ना, तीन चार प्रकार की फॉर्म होती है, तीन प्रकार की बेसिकली माना जाता है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये इंडेफिनिट मैंने लिख दिया, इंडेफिनिट इंडेफिनिट सभी में होगा, मतलब तीनों टेंसों में क्या होगा, हेलो इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार की होती है, ये लिखा है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट इंडेफिनिट आ गया कि नहीं आ गया, तो वो सब में कॉमन होता है। चलिए चौथा लिखते हैं जरा, चौथा कौन सा होगा, प्रेजेंट से ही बात बनेगी, तो प्रेजेंट पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि चीजें समझ में आ जाए, कंटिन्यूअस मैं इनका एक साथ पढ़ाऊंगा भी, हेलो थोड़ा ध्यान देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पांचवा क्या बना दिया बता जल्दी, दूसरे नंबर पे क्या, पास्ट, और टेंस को तीन टेंस को याद कर लो, पास्ट, और इसमें लिखते क्या, कंटिन्यूअस, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी काम जारी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, मैं मान लो आपको बता दिया कि मेरी क्लास 12 तक रहेगी, पर मैं आपको ना बताऊं कि मैं, लेकिन अभी 12 तक तो कंटिन्यू हूं ना, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस कौन सा होता है, हेलो फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या बोला मिला देंगे, कंटिन्यूअस, सी एन टी आई एन यू ओ यू एस, पूरी ग्रामर पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जितना अपन से हो पा रहा है, जितना आपको अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या, इसमें जैसे ही आएंगे इसी वर्ब के साथ में कंटिन्यूअस की आई एन टी लग जाएगी,
ठीक है, कुल मिला के आपको हेल्पिंग वर्ब अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, हेलो इज एम आर, आपको घर में आज बैठ के अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में श्योर है कि आपको सेक्शन डी, वो सॉरी बार बार निकल आता है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूरा फिनिश हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एक अलग से बात आपने वर, कोई कुछ लोग बहुत बेयर भी करते हैं पर इसको शुद्ध रूप में वर भी करते हैं, है ना। वर की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट आई एस टी, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे बोल रहे थी आई एन जी, मतलब आई एन जी जोड़ देना। तीसरा टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, जो बिल या शैल लिखा है ना उसमें क्या लगा दोगे आप, बिल बी हेलो, और इसमें क्या लगा दोगे शैल बी, दोनों के साथ क्या लगाए हो, फिर इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म जल्दी बताओ, पास्ट फॉर्म और प्लस क्या लगाओगे आई एन जी। आपने देखा कि तीनों कंटिन्यूअस में क्या हमने लगाया आई एन जी, तीनों इंडेफिनिट में आपने देखा होगा डिफरेंट है, हेलो तीनों इंटरनेट में देखा होगा डिफरेंट है, डू डज है यहाँ डिड है, लेकिन एक चीज आप देख पा रहे हो कि प्रेजेंट पास्ट में ये डू की तीन फॉर्म होती है, डू डिड डन, मालूम है कि नहीं मालूम है तुम्हें देखते हो तो, और इसमें बिल या सहल आ गया, मतलब तीनों इंटरनेट को यदि हम पढ़ा देंगे कंटिन्यूस में काम चल सकता है। देखिए कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यू हेल्पिंग वर्ब तो अलग है लेकिन स्ट्रक्चर एक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, और जो पास्ट की है वो कौन है वाज और वर है, और जो फ्यूचर की है वो कौन है विल बी और शैल बी। इतना बात समझ में आई, टेंस टोटल कितने हो गए, तीन ही टेंस है, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट तीन बार हुआ, यहाँ पे तीन बार कंटिन्यूअस क्योंकि तीन ही टेंस है, ये चार प्रकार के होते हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, अभी तीसरा और बचा है, कितने हो गए टोटल 6। अब मेरे पास जगह कम है तो थोड़ी मैं मिटा के फिर लिखूंगा, स्टॉप दिस। मैं कई प्रकार से पढ़ाता हूँ तो आपको सुविधा मुझे लगी तो मैंने ऐसे पढ़ाया, आपको प्रेजेंट फिर आएगा परफेक्ट तीनों में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा परफेक्ट का मतलब देखिए पहले में है प्रेजेंट में मतलब कि अभी वर्तमान में मैं जाता हूं तो प्रेजेंट, ठीक है और ऐसी एक्टिविटी होती है डेली रूटीन में प्रेजेंट में। अब जो कंटिन्यूअस है वो क्या है, मैं कर रहा था या कर रहा हूं कर रहा हूंगा, ये कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या है, मैं कर चुका हूं, मैं दसवीं पास कर चुका हूं, पास कर चुका हूं ना ये पास मेरे लिए तो था आएगा क्योंकि बहुत समय की बात है ना, अभी करंट में बोलेंगे खड़े होके यहाँ पे होंगे, मान लो रिजल्ट आया और आपने तुरंत बोला नहीं सर मैं दसवीं पास हो चुका हूँ, अर्थात आपका रिजल्ट आ गया पास हो गया तो वो परफेक्ट की बात होगी। देखिए ध्यान देखिए, समझ में आ गई बात, नहीं नहीं आ रही तो खड़े हो जाएंगे तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट, हेलो इसको याद कर लो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, टेंस को लिखता नहीं मैं, समझ रहे हो ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड और है, इसमें एक कॉमन चीज है विद्यार्थी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है फर्स्ट फॉर्म कोई बोला क्या, और दूसरा टेंस कौन सा है वही याद कर लो, तीसरा कौन सा है फ्यूचर, ये बार बार हम लिख लेंगे बस खत्म, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट पी आर एफ ई सी टी परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट पी आर एफ ई सी टी, ध्यान दे रहे हो हेलो, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब इसी की फॉर्म है, इसी से जुड़ता है मिलता जुलता काम है, हैज़ अ हैड की बात क्या आएगा हैड, और इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पर ऐसे भी लिखते हैं ना, सुनो कई तरीके हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, फ्यूचर में बिल और सैल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हर जगह आएंगे, बस एक चीज उनके साथ जुड़ जाती है कंटिन्यूअस में, आपने देखा बी जुड़ गई, यहाँ पे एक चीज जुड़ जाएगी है नहीं जुड़ेगी, हेलो क्या जुड़ेगी है नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा इसके पीछे वजह है पर अगर इतने समझ लो। अब कितने टेंस हो गए 9, हेलो और तीसरा प्रकार हो गया परफेक्ट, हेलो पहला अपन ने इंडेफिनिट जिसको सिंपल भी बोलते हो आपको, इसको दूसरा अपन ने कंटिन्यूअस उसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इसको परफेक्ट बोलते हैं, अभी दोनों को मिला के दूसरा टाइप कौन सा टाइप कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के बनेगा, दसवां नंबर देखो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पहला टेंस पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट, 11 नंबर क्या बनेगा पास्ट, और 12 नंबर क्या हो जाएगा फ्यूचर, हमको बात समझ में आ रही है क्या, प्रेजेंट और दोनों चीजों को मिलाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यू एन टी आई एन यू ओ यू एस, अर्थात इसमें भी वही चीज आ जाएगी परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब बार बार देखते नहीं लिखे आपको मेरे बार इसकी लिखा कर लो बाकी लिख लो, ठीक है इसमें भी क्या हो जाएगा बोलो परफेक्ट कंटिन्यूअस सी यू एन टी आई एन यू ओ यू एस, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप, देखिए इसमें
इसमें क्या फर्क है, दोनों को मिलाना है, अर्थात कुछ तो एक चीज होगी। एक में वर्ग की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि ये काम आधा पूरा हो चुका है, आधा जारी है। जैसे मैंने 2 बजे से, मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, 2 बजे से मतलब 2 से 3 बजे खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ अभी, और लेकिन कर रहा हूँ तो कंटिन्यूस भी आगे, मतलब कुछ काम हो गया। जैसे मेरे पास 10:30 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी कितना बज गया, 11 बजने वाला है, ठीक है, अर्थात मैं आधा घंटा पढ़ा चुका ना, और अभी काम मेरा क्या है जारी। ऐसे कामों को किसमें रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात की नहीं, कि क्या है कोई बताइए कोई। अरे भैया मुझे परफेक्ट में लगी थी वही आएंगे, देखो क्यों, क्योंकि परफेक्ट आया ना तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ देगा क्या आपने, नहीं छोड़ेगा। हाँ क्यों छोड़ेगा भैया, क्योंकि परफेक्ट भी था। अब कंटिन्यूअस आया है, जिसकी भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो क्या आएगा कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी बताओ जल्दी, हैज या हैड, नहीं हैज या हैड के साथ में एक शब्द लगाएंगे, कौन सा, बीन, बीन। हेलो यहां तक आ जाओ जल्दी, आपके सामने बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, आईएनजी, ये हमने कहां से लेंगे, कंटिन्यूअस में ये होगी परफेक्ट की बात, और यहां से हो जाएगी किसकी बात, बोलो जल्दी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये किसकी बात हो गई, कंटिन्यूअस की बात हो गई। तो आपको लग रहा होगा सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि यहां पे बीन आ गई है तो कहीं आए नहीं, इसका कारण ये है क्योंकि वो दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों के कंबाइन से वो पात या एक नई उत्पत्ति हो गई जिसको बीन, अर्थात दोनों को मिलाया तो हमें एक चीज और लगानी पड़ेगी, एक नया मेहमान आ गया उसको बोलते हैं बीन, है साहब के पास। इसी तरह पास्ट में हमने क्या पढ़ा था, बोलो जल्दी, हैड, नया मेहमान को जुड़ना पड़ेगा, बोलो जल्दी, बोलो बीन, और कंटिन्यूअस के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बोलो जल्दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब एक्चुअली में अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट में क्या है, बिल सेल हैड था, तो तीनों चीजें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिल आपने शेल और उसको हैड को अगर दोनों के साथ करते तो ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, हैड बीन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हैड बीन, ये बीन नया मेहमान है, ये सब एक अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बिल हैड बीन, और इसको बोलेंगे अलग से तो शेल हैड बीन, तीन बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। हेलो ध्यान देंगे विद्यार्थी, कंटिन्यूअस के लिए क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, बहुत बढ़िया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, इस तरीके से पूरे टेंस हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। 3 टेंस बट डिफरेंट है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन को मैं एक एक बार में निपटा दूंगा और देखिए कैसे ये खत्म हो गया हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट की हेल्प पर जल्दी बोले, देखते ठीक है, कंटिन्यूअस की फटाक से, प्रेजेंट की HMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और पास्ट की वाज या वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और फ्यूचर की विल बी ऑब्लिक शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इनको याद ही कर लेना भाई। परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट एज ए हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में क्या हो जाएगा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में क्या हो जाएगा विल हैव ऑब्लिक शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आ जाएगा नंबर 10 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या आएगा हैड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएंगे, लगेगी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में कभी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। हाँ, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या पीछे आईएनजी है ना, और फ्यूचर में बेल हैव या सार है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी, कंप्लीट है, किसी को कोई दिक्कत, ये होगा टेंस। अब हम एक टेंस को पढ़ेंगे क्योंकि इसको एक साथ पढ़ना मुश्किल काम है, ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पी आई एस एन डी प्रेजेंट, आई एन डी टी एफ आई एन आई टी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको थोड़ा सा पढ़ाना मुश्किल काम है, ध्यान देंगे इसके 2 रूल है, रूल नंबर 1 हेलो ध्यान देंगे प्लीज, ये जो सब्जेक्ट कहलाते हैं ना, सब्जेक्ट कौन होते हैं, जस्ट लाइक मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सब्जेक्ट, जैसे कि ही, जैसे कि सी, जैसे कि ए, जैसे कि बॉय, जैसे कि गर्ल, समझदारी बात, अगर ये सब्जेक्ट है प्रेजेंट टेंस का नियम, ये सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आपने ई एस,
ठीक है। और क्या फिर इसके बाद आएगा, बाकी कुछ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और बाकी जो अदर वर्ड्स आते हैं वो सब आते जाते हैं। ठीक है, पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाला रूल क्या होगा, ये सब्जेक्ट यदि आए, हेलो ध्यान देना, ये सब्जेक्ट यदि आए क्या, जैसे बोलो आई, जैसे कि वी, जैसे कि यू, और बताओ दे, जैसे कि दे, जैसे कि बॉयज, यदि प्लूरल्स कर दिया जाए, अभी तक इसमें बॉय था, इसमें हमने क्या लगा दिया, बॉयज, यदि अपने गर्ल्स कर दिया जाए, क्या कर रहे हैं, गर्ल्स, और प्लस यदि ऐसा हो तो कुछ नहीं करेंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में, बोलो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के हम करेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं करेंगे, प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या लिखेंगे, अदर वर्ब्स। हेलो, इतनी बात समझ में आई क्या, किसी को समझ में आई, मतलब ये सब्जेक्ट आएंगे, ही सी एट बॉय गर्ल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी इंग्लिश लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा अलग नियम कहता, बाकी जितने के टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी बहुत सरल है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद प्रेजेंट पास्ट में पढ़ लेंगे, बाकी बता देंगे। आई और बी यू दे अगर ये सब्जेक्ट आते हैं अगर वाक्य में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ये लिख गया, जल्दी लिखे फटाक से, एक बार लिख लेना, बार बार लिखने पड़ेंगे, अफर्मेटिव, हेलो कौन सा, अफर्मेटिव, ए नंबर ने इसका दे दिया, अब बी नंबर का रूल्स क्या होगा, मैं सारे रूल्स लिखा दूं, क्योंकि बी में टेंस में वही लगभग सेम होंगे, बी नंबर क्या होगा, अब देखो सब्जेक्ट समझ गए ना, सब्जेक्ट समझ गए क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में अगर नेगेटिव बनाना है, इसको बी नंबर को बोलेंगे नेगेटिव, क्या बोलेंगे, और यही प्रश्न बनाने को आता है, बार बार कहता है ये नेगेटिव बनाओ, तो क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, इसका एक ही नियम है, इसके तीन नियम नहीं है, क्या होगा नियम, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब अभी अभी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, डू ऑमलेट डज, और मैंने कहा था कि जब डू और डज आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद फिर क्या लिखोगे, अरे भैया डू और डज लगाओगे लेकिन नेगेटिव बनाना है तो एक शब्द और होता है जिसका मतलब नहीं होता है, और नहीं टाइम किस होता है, नॉट बी सब्जेक्ट, बोलो फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, मतलब अदर वर्ड्स, और भी जो छोटा शब्द आएंगे, ये हो गया नेगेटिव, इसको लागू करते जाओ, ये हर किसी जितने भी टेंस है आपके 12 के 12 सभी का ये रूल होगा, अब क्योंकि में पास्ट हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट की क्या होती है, पास्ट की क्या मैंने बताई, दस बताई, डेट, तो क्या हो जाएगा, डेट आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट की क्या हो जाएगी, क्या होगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, क्या बोलते हैं, आप लोग इंटरोगेटिव बोलते हो, इंटरोगेटिव नहीं होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव जितने भी होंगे, जितने भी टेंस है सभी का इंटरोगेटिव होगा, फर्क क्या होगा, हेलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे, ये जो पीछे वाला है ना ये कहाँ जाएगा, यहाँ, और सब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या करते हैं, जब ये आगे आएगा तो डू वहां पे मैंने इस्तेमाल लिखा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेकिन जब इंटरनेगेटिव को छोड़ के जितने भी नीचे के सेंटेंसेस सभी में क्वेश्चन मार्क लगेगा, लिखो ना भैया, आए हो लेट तो जल्दी से लिख दो, जितना लिखा हुआ बेटा ने क्या इसको आप इसी को देखिएगा, क्वेश्चन से कनेक्शन करके देखिएगा कि सब मिलते जुलते हैं। अब देखिए नेगेटिव में कछु नहीं करने, तीसरे वाले में केवल और केवल नाच जोड़ देने और देखो तीसरे वाले में लिखा है क्या, सी नंबर लिखा है ना, केवल नाच जोड़ देंगे और प्लस क्या आ जाएगा, देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बोल रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कछु नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट प्लस क्या अदर वर्ड, मैंने कहा कि नीचे के जितने होंगे सभी में क्या आएगा, ई नंबर, ई नंबर कौन सा हो जाएगा, अरे इसका नाम नहीं दिया क्या मैंने, अच्छा इसका नाम ऊपर लिख लीजिएगा, इसको बोलेंगे क्या, ए नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो
हेलो आप लोग का लिख लीजिए ना, हो तो इसको ऊपर कर लीजिएगा, इस सूत्र को नीचे लिख लीजिए, लिख लिए तो कोई बात नहीं। ई नंबर, ई नंबर क्या बन जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन। हेलो डब्ल्यू एच क्वेश्चन, अर्थात ऐसे शब्द आएंगे जो डब्ल्यू ए डब्ल्यू से एस से शुरू होंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच वर्ड्स, शॉर्ट के लिए मैं लिख दूं डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन होते हैं, जैसे कि व्हाट, बहुत सारे होते हैं, मैं सब नहीं लिख पाऊंगा, जैसे कि हाउ होते हैं कि नहीं होते, जैसे कि व्हाई सुना होगा आपने, ये आएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं ई नंबर अर्थात कौन सा कहलाएगा, पांचवा नंबर चौथे नंबर में जोड़ दो आप, अर्थात सी नंबर में, सी में जोड़ेंगे, हाँ ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले फिर आ जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी डू वाले, हेलो डू वाले डज, प्लस क्या आएगा सब्जेक्ट, व्हाट की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा जल्दी ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि सभी में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब लास्ट बचा इसको एफ कहेंगे और इंग्लिश में गिनती में हो जाएगा छठवा नंबर, यही बात है ना, छठवे नंबर को कहेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ये भी होता है, मैं थोड़ी याद करने के लिए अपने ऐसा लिख लिया, ये अफर्मेटिव हो जाता है, क्या होता है अफर्मेटिव। और जो ये वाला है अरे चौथा नंबर, तीसरे में इसको जोड़ा आप चौथे में इसको जोड़ेंगे तो ये वाला बन जाएगा, सेम पूरा लिख दीजिए। देखिएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन में केवल और केवल हम सब शुरू में जोड़ेंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स, क्या जोड़ेंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स, अब देख लीजिए जोड़ दीजिए, बोलो जल्दी बोलो, डू आपले डज, डू आपले डज, प्लस बोलो जल्दी सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, प्लस क्या आएगा नॉट, प्लस क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म, केवल फॉर्म बना देता हूँ, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आए, ये जो मैंने एक छोटा बताऊ ना, आपको परेशान नहीं होने, केवल हेल्पिंग वर्ब बस याद कर लेने हैं, बाकी जो सूत्र है ना सब ये। अगर हम परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट की मान लो परफेक्ट को सेट करना है, डब्ल्यू एच वर्ड से पसंद आएगा, इसमें हैज या हैव जोड़ देंगे, हैड जोड़ देंगे, विल हैव, शैल हैव जो भी होगा, और बाकी सब्जेक्ट का बट पंचायत है ही नहीं है, आपको ज्यादातर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फ्यूचर से पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा है। तीन टेंस अगर आपने अच्छे से कर लिए तो होगा होगा आपको, ठीक है, बोर्ड भी जानता है कि परेशान नहीं करना है बेचारे छोटे बच्चे ये हो गया, आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे हम आपको। अफर्मेटिव मैंने पहला नंबर लिखा ना, उसका सूत्र क्या मैंने बताया, देखो आई कहीं लिखा है क्या, सूत्र देखो पता है आई के सामने क्या करना है, एसवीएस लगाना कि केवल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है, जल्दी बोलो फर्स्ट फॉर्म, देखो आई मींस क्या होता है मैं, सूत्र देख लेना, अब हमें वर्ब जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एसवीएस ऐसा कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसमें आई आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएगी डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या था आने की पढ़ाना कहीं नहीं होता है, दिक्कत होगी कुछ वर्ड आपको याद करनी पड़ेगी, कहीं से मिल जाए तो याद कर लेना। आई टीच क्या पढ़ाता हूँ, क्या का जवाब जहां जैसे आता है ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाया सब्जेक्ट, ये क्या कहलाया वर्ब, ये क्या कहलाया ऑब्जेक्ट, और कुछ आया क्या दिक्कत, देखिए ये अफर्मेटिव होते हैं, इसी का बनाएंगे नेगेटिव में, पर हिंदी से लिख देता हूँ और इंग्लिश से भी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, नकारात्मक हिंदी में क्या होता है नकारात्मक, क्या बनेगा मैं जल्दी, अगर आपने इस टेंस को समझ लिया बच्चों तो आपसे बहुत अच्छे से बनेगा, मैं अंग्रेजी हिंदी में क्या हो जाएगा नहीं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। देखिए इसमें भी फुल स्टॉप आया, क्वेश्चन मार्क नहीं आया, जैसे तीसरा नंबर आप एंट्री करेंगे वैसे क्वेश्चन मार्क लगना प्रारंभ हो जाएगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ, आई आई के सामने क्या लगेगा, ये मैंने हेड नहीं दी आपको ना, मैं दे दूंगा बता दूंगा अभी किसके साथ में क्या लगेगा, आई के साथ में डू लगेगा, और फिर क्या आएगा नॉट, एक चीज हाँ मैंने बोली है कि जिन सब्जेक्ट मैंने पहला रूल लिखा है ना ही सी इट, जिनके साथ में डज या एसीएस लग रहा है उनके साथ में डेफिनेटली डू नहीं आएगा, डज ही आएगा, जिनके साथ में जिन सब्जेक्ट के साथ में क्रिया के साथ में एसीएस लगता है उन सब्जेक्ट के साथ में कभी भी डज नहीं आ सकता, क्या है आई डू नॉट, बोलो टीच, सूत्र देख लो टीच, ये कौन सा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, चौथा नंबर क्या कहलाएगा, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं उसको,
बहुत बड़ा हो जाता है इन कैटेगरी का, हाथ भी दर्द करने लगे हैं, ऐसा लगे ऐसा देख सकते हैं पहले। हेलो एब्रीवेशन फॉर्म नोट मेकिंग में मैंने बताया था ना, कुछ चौथा नंबर हाँ ठीक है, इसमें क्या जोड़ देंगे केवल नहीं, कहा जोड़ेंगे क्या मैं, अब देखो कहा जोड़ने की बात ही नहीं, अगर आप हिंदी शब्द जानते हो बोलते भी हो तो अपन को मालूम है कहाँ पे कौन सा शब्द लगता है, इसमें कोई नियम नहीं अपन को याद करना है। क्या बनेगा, क्या मैं अंग्रेजी, बोलो बोलो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं पढ़ाता हूँ, ये बना उससे मग लगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, बोले जल्दी बोले क्या बनाएंगे, वही सेम स्ट्रक्चर है। आई यहाँ भी क्या करूँगा, डू अब प्रश्न होता है कि नाक कहाँ लगाएंगे, तो ये तो इनका भगत यहाँ पे नाक नहीं लगा, ये गलत हो जाएगा। डू आई सब्जेक्ट के बाद याद आएगा, रूल से एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, एक बार रख लिया तो बाकी चर्चों में वही है। डू आई नॉट, बोले जल्दी डू आई नॉट टीच इंग्लिश, डू आई नॉट टीच इंग्लिश, इतनी बात क्लियर हुई क्या, ये कितने सेंटेंस मैंने बना दिए, टेंस और सेंटेंस दोनों अलग अलग है, ये चार नंबर का हो गया, ऊपर से बैठाए क्या, बहुत बढ़िया, देखना आई फिर क्या आएगा, बोलो टीच फिर क्या आएगा, वाई डू आई टीच इंग्लिश, हेलो बात समझ में आई कि नहीं, ये अफर्मेटिव एक्ट का छठवां नंबर क्या है, सातवां नंबर अभी तक कोई बना नहीं है, जब बनेगा तो हम बता देंगे, सूचना देंगे आपको ईमेल से, छठवीं तक चल रहा है ना। सिक्स नंबर, हेलो ध्यान देंगे इसको डब्ल्यू क्वेश्चन नेगेटिव नाम रखा है हमने, डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेगेटिव बोल देते हैं हम लोग क्योंकि इसमें नहीं, हालांकि ये जबरदस्ती में बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, समझ में आ जाए बच्चों को, गलत नहीं है ये मत बैठा रहा कि जबरदस्ती बना रहे तो गलत है, क्या गलत नहीं है, और इनकी कहाँ जरूरत पड़ती है ना, इन सेंटेंस की क्या बनेगा बता दो जी, मैं इसमें एक शब्द लग जाएगा, बोलो प्रैक्टिस कर लो यार निकल रहा है, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, समझ आ रही बात, बैठा नीचे का नीचे का ना बैठा, हाँ नीचे का बैठाते हैं, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूं, तो क्या बनेगा बताओ जी, सेंटेंस वर्ड्स सबसे पहले आएगा वाई, फिर क्या आएगा, बोलने जा रहा हूं मुझे समझ आएगी, हाँ वाई टू आई, अब आगे नॉट, चौथा वाला सब्जेक्ट देख लो नॉट कहाँ पे आया था, आई के सब्जेक्ट के बाद आया था ना, तो कहाँ आएगा, आई के बाद आएगा ना, हेलो वाई डू आई नॉट, पीछे बात नहीं करना प्लीज, वाई डू आई नॉट, फिर क्या आएगा टीच, टीच, फिर क्या आएगा इंग्लिश, वाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश, अभी भी बात नहीं समझ गए, क्या छह के छह सेंटेंस बन गए आपको, अब मैं कुछ और सेंटेंस आपको फटाक से इंग्लिश इंग्लिश में केवल बताऊंगा, आप हिंदी में अपने निकाल लेंगे घर में जाके, अगर आपके पास टाइम है तो खूब मेहनत कीजिए, वही अंग्रेजी, हेलो धरती वही अंग्रेजी पढ़ाता है, वही अंग्रेजी पढ़ाता है, चलो दो भाग कर लेते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो वह मतलब लगाता क्योंकि जो पढ़ाती होती तो लड़की हो जाती ही, और देखो ही के बारे में मैंने पहला रूल बताया है कि जहां ही आया हुआ क्रिया में एस या एस लगाते हैं, ये भी एक समस्या है कि कौन सी वर्ग के साथ में एस लगाएंगे, कौन सी वर्ग के साथ में एस लगाएंगे, उसका छोटा सा नियम है कि जिनकी क्रिया में वो डबल एस ऐसा हो कुछ देख लेना, पढ़ा ही के साथ में क्या आएगा टीच, पहले तो टीच लिखो, अब इसके साथ ये नियम है कि क्रिया में एस या एस लगेगा, देखो फिर एक नियम है कि लास्ट में यदि वर्ग के सी एच हो तो क्रिया में एस ना लगा क्या लगाएंगे, तो क्या लगेगा इस, क्या हो जाएगा, हेलो देखो बेटा नहीं आ रहा तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या, पढ़ रहा है कुछ पीछे आगे कर रही हो, ही इज, ये बात समझ में आई, ही इज इंग्लिश, थोड़ा डिफरेंट है क्या, देखो आई मैंने यहां जोड़ा था जब आई आया बनना की एस लगा था क्या, नहीं लगा, यही फर्क इसमें एस या ईएस, तो क्या लगा हमने ईएस लगा, क्या लगाया ईएस, चलो इसके छह प्रकार बनाए, हिंदी में नहीं बना रहे तो बहुत हो जाता है,
पहला, दूसरा क्या बनेगा? जब ईएस आ गया तो मैंने कहा था डू में ईएस लगा तो डज बन जाता है। डू में क्या लगा? बराबर क्या हो जाता है? अब यहाँ पे जब ईएस हटाएंगे नेगेटिव में तो डज आ जाएगा, डू नहीं आएगा। क्या आएगा? डस। फिर क्या आएगा? ना। फिर क्या आएगा? ई। सूरज कुमार समझ में आ रहा है क्या? टीच इंग्लिश सूरज बना रहा है, बहुत बढ़िया। पुलिस स्टाफ हमने लगाओ है ना। तीसरा वाला क्या मुझे बताओ भैया, डच को कहाँ करेंगे? हेलो, आगे करेंगे ना, तो डच का डी क्या बन जाएगा? पिछली बार बार बोलोगे गलत ना कर दो। डी जब पीछे आएगा तो ही का एच क्या बनेगा? स्मॉल। क्या हो जाएगा? डज ही, बोलो जल्दी, डज ही टीच इंग्लिश। इसमें नाट नहीं लगाने हैं हमने, ये जो तीसरा प्रकार बनाया है पहले का बना दिया है इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं तीसरे प्रकार? इंटरोगेटिव। चौथा बताओ, चौथा बताओ, डज डज ही, बोलो बोलो, डज ही नॉट। नॉट कहां पे आएंगे? सब्जेक्ट की बात, वहां आई की बात आ जाती है, यहां ही की बात आ जाती है। Does he not teach? E-A-C-H, teach English. Does he not teach English? अरे भाई क्वेश्चन मार लगाओ, क्यों बोल रहे हो? पांचवा नंबर, अब बताओ कौन बताएगा? अब इसमें डब्ल्यू वर्ड से जो होना है वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, उसको मैं ले देता हूँ हिंदी में। वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो इसी को बना लेता हूँ। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है? क्या बन जाएगा? वह अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है? देखो क्या बनेगा जी? Why does he teach English? जैसे ही तीसरा वाला सेंटेंस आता है वैसे हल्की उम्र बाती, वैसे बल्कि फर्स्ट वाला आप देख पा रहे हो यहाँ पे एस नहीं लगा, तो पहले वाले की लपड़ झपड़ है। दूसरे तीसरे चौथे जितने भी होंगे उसमें केवल वर्ब की कौन सी सूरत? पहली सूरत, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा सिक्स नंबर देख लो बेटा, अब मैंने हिंदी से बनाता, ये क्या बन जाएगा? वाई अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता? लिख लोगे ना इंग्लिश का बनाएंगे। व्हाई डज ही नॉट टीच इंग्लिश? व्हाई डज ही नॉट टीच इंग्लिश? Why does he not teach English? और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से मैंने प्रेजेंट टेंस की चर्चा की आपके सामने। अभी कुछ और भी सब्जेक्ट को मैं यूज कर लेता हूँ उसी सेंटेंस को। ये लिख गया क्या? सब्जेक्ट हो जाएंगे ही सी हो गया, और जैसे लड़का, लड़का कोई लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है, लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है, लड़का अंग्रेजी पढ़ाता है, क्या बनेगा? Why सिंगुलर नंबर है, टीच सारे, Why टीच इंग्लिश, Why टीच इंग्लिश। और मान लो लड़की पढ़ाती है तो समझ गए ना, लड़की का क्या लगेगा? गर्ल, गर्ल टीच इंग्लिश। और कौन सा सब्जेक्ट बचा? लेके विद्यार्थियों अब मैं थोड़ा बगल में लिख रहा हूँ, बता दूँ क्या इसको? Yes, दोस्त दे अंग्रेजी पढ़ाते, दे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या बनेगा? दे, दे का क्या होता है? दे, दे अब इसमें आई के साथ में जैसे केवल टीच आया था, यहां भी ऐसी एस ना करके क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, बल्कि फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच। ये क्या है? सब्जेक्ट, दे टीच इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। हो गया वर्ब, सेकंड फॉर्म में लिखा हमने। और क्या बचा था उसमें? आ, आ, अगर आपके पास टाइम तो है नहीं, क्या है तो छह छह प्रकार पढ़ाते एक बार, फिर देखो कैसे समझ जाते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ाते है, आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बताओ कैसे, क्या बनेगा? यू टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश। अरे मैंने क्वेश्चन मार्क, यू हो गया, दे हो गया, अम्मा को ऐसा
मान लो लड़कियां एक साथ में पढ़ाई लगी बोर्ड बोर्ड में अपने घर में पढ़ाई लगी है। लड़कियां अंग्रेजी पढ़ाती हैं क्या बनेगा बोलो गर्ल्स जी आई आर एस लड़की भी हो सकता है गर्ल्स टीच इंग्लिश। विद्यार्थियों अगर हम यहाँ पर बात समझा भी है तो इंग्लिश अगर प्रकार बना सकते हो तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा लूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया टेंस चेंज करना ठीक है रेडी है ठीक है स्टॉप। चलो प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ है यहाँ पर आप कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आपको बताना है बहुत सारी चाव लगती है लिखा है ये आया था भैया प्रश्न सी स्पीक्स स्पीक्स में क्या होता है बोलना सी स्पीक्स द टू टी आर यू टी आई उसको क्या बोलना है लेकिन वो सर्ट फॉर्म में लिख दू पूरा लिख दू बड़ा कठिन केवल क्या लिख दू नेगेटिव क्या बनाना है इसको नेगेटिव जिससे बन जाए बना सकता हूं मुझे बता सकता दूसरा दूसरा आपके सामने हम दे रहे हैं राम भाई सर चौथा सी डज हर वर्क इसको भी नेगेटिव बनाना है दे सही ही और दूसरे वाले का वो चाय पीना टेकनिक पीना और तीसरे वाले का काम करना डू मीन्स काम करना और सी डज हर वर्क वो इसका भी मतलब की काम वो अपना काम करती है दे गो टू स्कूल होना दे स्कूल जाते हैं पहले वाले का क्या करना है नेगेटिव होना है नेगेटिव क्या बनेगा पहले वाले का नेगेटिव कौन बताएगा कौन बता सकता है पहले वाले का नेगेटिव अभी भी आपने खूब सारे प्रैक्टिस सेंटेंस पढ़े हैं आई टीच इंग्लिश सी टीच इंग्लिश हाँ इसमें क्रिया में क्या लगा है सीरियस स्पीक्स बोलना होता है लेकिन यहाँ पे क्या लगा है स्पीक्स अर्थात क्रिया में एस लगा तो ध्यान रखें जिनके लास्ट में के हो ऐसा हो तो क्रिया में क्या लगाएंगे एस बाकी ई एस सी एस हो लास्ट में तो ई एस लगाएंगे अर्थात नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज मैंने कहा था जहां एस सी एस लगे उनके साथ में क्या लगाएंगे डू की डज तो सी के साथ क्या लगेगा डी बनाने के लिए शब्द होता है क्या ना सी डज नॉट मैंने कहा जैसे हेल्प करवाएगी वैसे सभी ने क्या हो जाएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट एस हटाओ तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी हेलो एस हटाओ तो कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सी डज नॉट स्पीक और क्या हो जाएगा डू बाकी किसी ने कुछ भी चेंज नहीं करना है फर्स्ट फॉर्म चलिए दूसरा वाला देखते बताइए इसको करेक्ट करना है और आपको रूल मैंने पढ़ाया है अभी भी मैंने सेंटेंस बताओ क्या गलत है बहुत बढ़िया जब क्रिया में ई हो लास्ट में तो ई एस न जोड़ेंगे क्या लिखेंगे एस अरे भैया जिसको इसमें अगर ई एस जोड़ोगे तो डबल ही हो जाएगा इसलिए केवल इसमें क्या जोड़ोगे पी ए के ई टेक तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही के साथ में वो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते तो क्या लगाएंगे एस
तो क्या हो जाएगा सही, ही टी ए के एस, ही टेक्स टी, ये है सही। सही है, किसी कोई डाउट? हेलो पीछे राकेश, समझ में आ रहा तुम्हें? कब आ रहा है, क्या आ रहा है? चलो तीसरे वाले को बताओ क्या बनेगा, इसमें वर्ब क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर्ब क्या है तू, और माई वर्ब क्या है पूरा ऑब्जेक्ट, ये क्या है पूरा ऑब्जेक्ट, तो बताओ क्या करेंगे, क्या बनाना है? नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में क्या करना पड़ता है क्रिया में? डू या डस के साथ नॉट आई है, तो डच का सवाल ही नहीं उठता, क्या है डू नॉट, क्या बनेगा आई परेशान नहीं होना है, हमें यह समझना है कि ये दू अलग है और ये वाला अलग है। आई डू नॉट और फैकल्टी डू माई, हेलो नहीं आई क्या समझ में बात, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, हेलो क्या है और ये क्या काम कर रही है, आई डू नॉट डू माई और क्या माई वर्क, समझ में आएगा? ये हो गया चौथा नंबर, दिख रहा नीचे तक किसी को, नहीं तो मिटा दे ऊपर से, चौथा देख लो सी डस हैज वर्क, ये भी उसी तरह का नेगेटिव, क्योंकि सी के साथ में डज लगता है ना, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, अर्थात ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्रिया के साथ में ऐसी है, जिनके लास्ट में ओ हो उनके साथ में क्या लगाते हैं, ईएस, ये आपको यहां से पता चल रहा है, ईएस लगा, नेगेटिव बनाना है पहले से पता है, सी के साथ में क्या लगाएंगे बोलो जल्दी, क्योंकि क्रिया में ऐसी लगा, अर्थात इस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू प्लस डस, तो क्या बनेगा सी डस, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, सी डस नॉट, इसके नीचे अलग कर दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा, सी डस नॉट और वर्ब क्या है डज नहीं है डू, डू इसमें तो ये लगा के डज बनाएंगे है ना, इसको अच्छे से कर लो, सी डज नॉट डू, और हर बच्चों का क्या बनाएंगे, हर फुल स्टॉप। चलो छठवां वाला थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पांचवा वाला दे गो टू स्कूल, दे स्कूल जाते हैं, इंटरोगेटिव बनाना है, तीसरा वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्रिया में एस के, तो पहले सेंटेंस पहचानना होता कि कौन से टेंस का है, ये कौन से टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, कैसे पहचाना कि प्रेजेंट टेंस का, अरे भैया आपको पास्ट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मालूम है, इसमें कोई परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगी है क्या, कंटिन्यूअस की लगी है क्या, एग्जाम आर वाज या वर या विल बी सेल भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो भैया सेल होता है, पास्ट की बात करें तो अभी पढ़ाने पढ़ा देंगे और क्लियर हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको बता दूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है, तो फ्यूचर की तो अलग ही पहचान है, बिलिया सेल है ही नहीं तो क्या फ्यूचर, फ्यूचर जहां जुड़ेगा वहां बिलिया सेल जरूर आएगा, क्या आएगा किस टेंस में, बसा कौन सा बचा अकेला इनडिफिनिट, इसलिए कह रहा हूँ डिफरेंट, ये समझ में आ गया तो बाकी दुनिया के सारे टेंस समझ में आ गए, दुनिया के गाय बारह और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी, अभी भी मैंने रूल्स लिखाए हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बोल जल्दी, डे के साथ में क्या लगेगा टू की डस, टू लगेगा की डस, अरे यार इसमें भी देख रहे हो तुम लोग, दोज लिखा है कि यस लिखा है क्या, सिंपल है क्या लगेगा टू, तो क्या नहीं बोल रहे, पांचवा नंबर क्या आएगा डू, और फिर दे पीछे चला जाता है क्या बन जाएगा बोलो, डू दे गो टू स्कूल, स्कूल कितना सरल है, डू दे गो टू स्कूल, चलो अच्छी बात है आपको समझ रहे हो, मैं कहीं इंटरनेट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आगे बात समझ, इस तरीके से पांच हमने बताए, अभी और हम पांच कितना बचा, हाँ हमारे पास 10 मिनट है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, वर्क इसको इंटरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है कौन सा टेंस का बताओ, प्रेजेंट टेंस है ना, ये कुछ नहीं है हेल्पिंग वर्ब, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जितनी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखाई है आज जाके उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो टेंस पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है, इसको क्या बनाना है चलेंगे बनाए, चलो बताओ क्या बनेगा, आंसर लिखते जाएंगे यहाँ पे, हाँ यू डू योर वर्क, वर्क क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है,
क्या करो बताओ क्या करेगा। अब इंटरव्यू को बनाना है तो हमने तीसरा नियम लिखा है इंटरव्यू के पर। सबसे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्या होगी प्रेजेंटेंस में डू इट डस, तो यू के साथ क्या लगाएंगे डू की डस डस लगाएंगे डू लगाएंगे। आगे आएंगे तो कर्ता लगाएगा, पीछे जाएगा क्या स्मॉल, पीछे क्या जाएगा यू स्मॉल डू यू और वर्ब फिर क्या आएगी हेलो वर्ब क्या आएगी और क्या चीज कराएंगे तुम्हें क्या लगता है। चलो सातवां नंबर ध्यान दो बी लेव ए जबलपुर, इसको बनाना है नेगेटिव, बताओ क्या बनेगा बोलो जैसे हाँ नेगेटिव बनाना है कौन सा टेंस है पहले तो टेंस पहचानो ना तभी तो बता पाओगे क्या लग रहा है। हैज ए हैव लगा है मतलब परफेक्ट है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है क्या नहीं है ना, कंटिन्यूअस भी क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज है प्रेजेंट में हैज है पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव शैल है ऐसे मतलब है कंटिन्यूअस भेज रहा है आर वाज वर विल बी शैल बी है क्या, फ्यूचर में फ्यूचर डिफरेंट देखा जाए बिल सर क्या दिख रहा है, अब बचा पास्ट इंटरप्रेट और प्रेजेंट इंटरप्रेट, पास्ट इंटरप्रेट मैंने बता दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म हर जगह आती है क्या सेकंड फॉर्म दिख रही है आपको, आज फॉर्म्स कम से कम रिवाइज कर लीजिएगा घर में। तो प्रेजेंट इंटरप्रेट नेगेटिव बनाना तुरंत याद करो अच्छा हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट की क्या प्रेजेंट डू या डी के साथ क्या लगेगी मैंने लिख दिया नहीं लिखा हो तो याद कर लो अभी लेना डी के साथ क्या लिखेंगे अरे क्रिया में आई सी एस दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा तो इससे दिमाग लगाना है क्या लगाएंगे टू बी दस टू बी डू अब बताओ और नेगेटिव में नॉट नहीं आएगा बी डू नॉट फिर क्या आएगा लेव एम फिर क्या आएगा जबल और अभी भी नहीं आया क्या समझ चलो आठवां एक और देते हैं ध्यान देना My brother eats food. मेरा भाई खाना खाता है इसको अपन को चेंज करना है इंटरोगेटिव बताओ कौन बताएगा फटाक से बताओ क्या दिमाग की बत्ती जली है कि नहीं जली हाँ बोलो कौन सा टेंस इट मीन्स क्या होगा लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ईट ना लिख के क्या लिखा है एस साउंड लगा है ना तो कौन सा टेंस केवल और केवल एक ही टेंस है जिसमें एस ई एस लगता है वो कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ इंटरोगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो सबसे पहले क्या आगे लगेगा माई मतलब मेरा भाई एक भाई की बात कर रहे हैं दो की नहीं डज लगाने की क्या आएगा डज आएगी एक भाई की बात कर अरे क्रिया ने एस लगाया है मैंने पहले बताया जहां लगा हो डू डज की बात नहीं करना सीधे डज लगा दो कंफ्यूज नहीं करेंगे तो समझो नहीं कैसे डज ये पीछे आ रहे हैं डज इसके बाद क्या बनेगा माई डज माई ब्रदर अब बताओ क्या आएगा ईट्स अरे हमने कहा जैसे हेल्पर का प्रवेश नहीं बहू का प्रवेश वैसे घर की खलबली दस हमारे मतलब और फिर क्या आएगा ईट फूड चाहे पहले नहीं बच जाती नहीं बहू क्या नहीं थे बस नहीं तो होगी चलिए नौवां नंबर मेरे ख्याल से दसवें तक आते आते समझ में आ जाना चाहिए भाई हाँ काफी मेहनत हो गई हम तो थक गए हैं हाँ चल आगे बढ़ेंगे शुरू करें yes, लिख रहा हूं हर सिस्टर बड़ा अच्छा लिख रहा हूं सिंग्स अ सॉन्ग उसकी बहन गाना गाती है नेगेटिव बनाना है अब बताओ कौन कॉन्फिडेंस के साथ बना सकता है क्या भाई
बताओ कौन बताएगा? हर सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, ठीक है। अब नेगेटिव बनाना तो क्या बनेगा बताओ, पूरा बोलो। शुरू में आ जाएगा नो सर, हर सिस्टर हर सॉन्ग सिंग्स, सब्जेक्ट क्या है ये, वर्ब क्या है ये, ऑब्जेक्ट क्या है, लिख लो आप लोगों के अंदर जगह होगी, इसमें एस बना लो, इसमें वर्ब बना लो, इसमें ऑब्जेक्ट पता तो हो क्या है, तो क्या आएगा बताओ? हर सिस्टर डज फिर क्या आएगा? नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा दे, नहीं क्योंकि डेरिवेशन में क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। ये नौवा हो गया, एक और बता देते हैं, बाकी घर में जाके जितने भी परीक्षा अध्ययन प्रश्न उत्तर उठा उठा के कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। मिटा दे ऊपर से, एक लास्ट बचा हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर पहुंचा देंगे सभी तक, तो दसवा नंबर देख लेंगे, दसवां नंबर। अब ये प्रेजेंट टेंस की लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, सी डस नॉट डू हर वर्क, इसको अफर्मेटिव बनाना है पहला वाला, कौन बता सकता है? ये अगर आपको आ गया तो समझ लिया कि मेरे टेंस आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट मैंने पढ़ा दिया तो बाकी टेंस दुनिया की बहुत सारा है, बस बताओ। एक और क्लास बची संडे की, क्लास में जब तक प्रोग्राम अगर बनता नहीं बाहर का तो डेफिनेटली क्लास आपकी लगेगी, इसलिए सावधान रहें। तीन क्लास में क्वेश्चन नंबर एट आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है आपका। सेक्शन डी का क्वेश्चन, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर एट समाप्त होने के बाद बाकी सब आपके समाप्त हो गए, क्लासेस में भी बहुत कुछ पढ़ाया गया है, बाकी अपन प्रैक्टिस कराते रहेंगे बीच बीच में। हाँ बताओ जल्दी से, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। अब बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस कौन सा बना? टेंस तो समझ में आ गया, नाथ लिखा है तो कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव। इसको क्या बनाना है? अर्थात नाथ को पहले हटाना है, और नाथ को हटाएंगे तो कुछ परिवर्तन फिर हो जाता है, क्या होगा बताओ? तो सी तो आएगा कि ना आएगा? तो पहले आता है ना भाई, तो सी आ जाएगा। अब बताओ नाथ को हटाओगे, नाथ के साथ लाता है डज, अर्थात डज भी जाएगा, दोनों जाएंगे बेचारे है ना, ये दोनों जाएंगे। जब दोनों जाएंगे तो परिवर्तन किसी चीज में होगा, किसमें होगा? वर्ब में होगा, क्या इसमें नहीं होगा? नहीं होगा, केवल वर्ब में होता है। हेलो, तो देखें जरा, दस लिखा हुआ है अर्थात क्रिया में क्या एस या ईएस, तो क्या लिखेंगे? डू के साथ में क्या लगा देंगे? ईएस, तो क्या हो जाएगा? सी डस हर वर्ब, सी डस हर वर्ब। नहीं आई बात समझ? बड़ी मुश्किल, फिर भी नहीं बताते हो। एक बार आप लास्ट में 11 कर दें क्या? हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, नहीं सुना है तो याद कर लो, हिंदी में मुहावरा बड़ा अच्छा है, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। चलो देख लेते हैं, चलो इसको बनाएंगे। डज ही डू हिज वर्क, ए भाई ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है बताओ? पहले टेंस बताओ, कौन सा टेंस? यार आपको बता दिया करो कि सर भाई है कौन सा प्रेजेंट, बड़ी मुश्किल। और इसको बनाना है अफर्मेटिव। अब यही बता दूं कि सेंटेंस कौन सा, छह सेंटेंस मेरे को आए, अफर्मेटिव गिना दूं, अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा नेगेटिव, तीसरा कौन सा कम आ जा रही थके हो, इंटरोगेटिव, चौथा कौन सा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा कौन सा देखिए बता दिया करो, डब्ल्यूएस क्वेश्चन, और छठवा नंबर नेगेटिव। तो देखो इसको अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है अर्थात दस पीछे जाएगा और ही कहां आएगा, आगे आएगा, ही यहां जाएगा, जैसे ही यहां पे आएगा वैसे इसका आज क्या बन जाएगा?
वर्ब इसमें क्या है, सब्जेक्ट ये है आपका, वर्ब क्या है ये, ये क्या है सब्जेक्ट, तीन चीजों का कमाल है। तो ही आ गया, वर्ब चाहिए, वर्ब डू है, एक्चुअली में यहाँ डग लगा था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ऐसे आप ये तो क्या बन जाएगा बोलो, ही डज इसके बाद बोलो हिज वर्क, हिज वर्क। इसको आप घर में जाकर के समझिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, अभी अपलोड करेंगे शाम तक। इसके बाद क्योंकि जो पीछे का कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा तो अगला नहीं समझ आएगा, अगर आपने धीरे से समझ लिया, बहुत सारी चीजें होती हैं एक बार में नहीं क्लियर होती, मैं जानता हूँ, पर अपन को थोड़ी डिस्कस तक पहुँचना है, बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि हमसे चीजें बदल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।